कि अतीत के गुलाम मत बनो, मतलब सेख ही मत बगारो मैंने पास्ट में क्या किया था, भविष्य के निर्माता बनो। मतलब क्या हुआ कि भविष्य है उसको बनाइए, पीछे खोए मत रहिए। मैंने एक दो दिन पहले लिखा भी था कि बुढ़ापा और जवानी क्या होता है। बुढ़ापा और जवानी महज आप उम्र से आंकलन मत कीजिए। जो व्यक्ति अपने भूतकाल में जीता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये परीक्षा पास की, मैंने ये उपलब्धि हासिल की, ये हुआ वो हुआ, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष की क्यों नहीं हो, वो बुढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्मृतियों में जी रहा है, वो अपनी उपलब्धियों में जी रहा है, वो अतीत में जी रहा है। और जो व्यक्ति अतीत में जीता है वो व्यक्ति बुढ़ा होता है, चाहे वो 25 वर्ष की उम्र का ही क्यों ना हो। और जो व्यक्ति नई स्मृतियाँ बनाता है, जो व्यक्ति नई उपलब्धियाँ सृजित करता है, जो व्यक्ति नए नए काम करता है, वो व्यक्ति जो है वो भविष्य निर्माता होता है, चाहे उसकी उम्र 80 वर्ष क्यों ना हो। मैं उसको जवान मानता हूँ। तो जवान वो है जो स्मृतियाँ बनाता है, और बुढ़ा वो है जो स्मृतियों में जीता है।